हेलो एवरीवन, ग्रीन लाइन मीर में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है ये देख रहे हैं आप, रंग बिरंगे जो हमारे घर को काफ़ी डेकोरेट करते हैं ये प्लांट, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे गार्डन के लिए, हमारे घर के लिए बहुत ही सुंदर। बहुत सारे ये इंडोर प्लांट आते हैं, तो आज इसी पर है, इसकी कैसे हम देखभाल करेंगे और क्या क्या इसके केयर टिप्स हैं, मैं इसमें यही देने वाली हूँ। हमें इस समय ठंड में इन पर क्या क्या काम करने बहुत ज़रूरी है, तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और जो मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ज़रूरी टिप्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो ये हमारे गार्डन में भी ऐसे ही देखिए कितनी खूबसूरती ये बिखेरते रहेंगे। आइए लास्ट तक बने रहे वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, न्यू हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगे तो लाइक भी दें। और सबसे पहला काम ये करना, जो भी इनकी सूखी हुई पत्तियाँ हैं या कोई खरपतवार है तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा प्लांट है वो आपको इसमें ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल निकाल दीजिए। इसमें क्या, बिल्कुल साफ़ कर दीजिए गमले को। और ये देखिए मैंने तो पहले ही साफ़ कर रखे हैं, मैं साफ़ करती रहती हूँ इनको, तो ये मेरे गमले सारे ही साफ़ मिलेंगे आपको। और फिर इन पर हल्की सी, बहुत हल्के से हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, बहुत हल्की सी, ज़्यादा नहीं करनी गहरी इस पर। ये देखिए, और मेरी देखिए सोयल कुछ ऐसी है, ये वेल ड्रेन है, तो अगर आप इसकी सोयल बनाते हैं तो बिल्कुल वेल ड्रेन ही रखें, जिससे पानी ऊपर से डाले और नीचे से तुरंत निकल जाए। अब ये देखिए, अब ज़रूरी क्या है इसके बाद, ये मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। और ये प्लांट की जैसे पत्तियाँ होती हैं, ये इंडोर प्लांट की, किसी भी इंडोर प्लांट की, तो इनका क्या है, जैसे इन पर डस्ट बैठ जाती है तो एक बारीक सी परत जम जाती है, तो वो हमारे प्लांट को हानि पहुँचाती है, क्योंकि ये जो छिद्र होते हैं, पॉर्स होते हैं हमारे प्लांट के, वो बंद हो जाते हैं ऊपर। जब अगर इस पर लेयर जम जाएगी मिट्टी की, तो इससे अगर वो पॉर्स बंद हो गए, तो बंद होने के बाद क्या होता है, ये खाना पीना अपने पॉर्स से लेते हैं जैसे, तो वो बंद हो जाएंगे तो फिर कैसे लेगा, प्लांट चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना ज़रूरी है, इनकी जो है सफाई क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो जितने भी हमारे पास इंडोर प्लांट है, तो और अब हम सफाई इनकी कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और देखिए एलोवेरा, और मैं थोड़ा सा लूँगी क्योंकि मुझे दो चम्मच चाहिए, तो मैं उतना ही काटूँगी। और ये देखिए एलोवेरा का प्लांट हमारे पास ज़रूर होना चाहिए हम अपने गार्डन में, क्योंकि ये बहुत काम आता है। तो मैं इसका दो चम्मच निकाल के इसको मिक्सी में पीस के और एक लीटर पानी में उसको घोल दूँगी, और फिर मैं इसको यूज बताऊँगी हमें अपने इंडोर प्लांट पर कैसे यूज करना है। और देखिए मैंने एलोवेरा का ये पानी बना दिया, तो अब मैं क्या काम करने वाली हूँ इसमें, देखिए अब हमें इसमें क्या ज़रूरी है। और देखिए एलोवेरा का तो यूज हमें करना ही करना है, और बट आपके प्लांट पे, मतलब इंडोर प्लांट की पत्तियों में अगर बैक्टीरिया या कोई कीड़ा वगैरह लग गया है, काले जैसे हो जाते हैं ये पत्तियों में, काले धब्बे और निशान पड़ जाते हैं, काले पीले जैसे भी, तो बैक्टीरिया बैठ जाता है, वो पत्ती को ख़राब कर देता, तो हम उसके लिए दो चीज़ का और इसमें यूज कर सकते हैं। एलोवेरा तो डाला है, तो जैसे एलम होता है फिट कर, ये तो ये मिल जाती है इजीली, और एक कपूर होता है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये मौसम के हिसाब से हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो फिटकरी होता है ये एसिडिक होता है, ये गर्म होता है, और ये कपूर ठंडा होता है। तो हम अगर ये ठंड में अगर यूज कर रहे हैं इस पे पत्तियों पे ये, तो हम इसको ये फिटकरी एलम को यूज करेंगे, और अगर हम गर्मियों में यूज करेंगे तो हम इसको कपूर को यूज करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होता है और ये कीटनाशक होता है, ये दोनों ही ये एंटीबायोटिक होते हैं, तो इसलिए इसको यूज कर सकते हैं अगर आपकी पत्तियों पर ज़्यादा दाग धब्बे या बैक्टीरिया है कोई। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, इस पानी में जो हमने ये एलोवेरा का बनाया है दो चम्मच डाल के पीस के, तो इसको एक चुटकी ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ ये एलम का एक चुटकी लेंगे पाउडर बना के बारीक, और इसमें डाल देंगे और इसको पानी को छान लेंगे, और इसको भी ऐसे कपूर की एक टिक्की लेंगे और इसको पानी में डाल के बिल्कुल बारीक करके पाउडर बना के इसको छान के तभी यूज करेंगे। तो इसमें से हमें एक ही चीज़ डालनी है मौसम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, तो ये बहुत कारगर होता है, तो हमारे जो बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल इस पर ख़त्म हो जाता है, और पत्तों में बहुत खूबसूरत शाइनिंग देता है। तो ये आप करके देखिए एक बार, अगर आपके ऐसे ख़राब हो गए तो ये बहुत अच्छा है,
तो ये देखिए वीडियो हो सकता है ज़्यादा लंबी हो जाए थोड़ी सी, तो इस पूरी जानकारी दी है तो इसलिए ज़्यादा लंबी हो सकती है। और देखिए एलोवेरा का तो 12 महीने हम कोई भी चाहे मौसम हो उसमें यूज कर सकते हैं। और मैं तो गर्मी जब ज़्यादा होती है तो इसका स्प्रे भी मैंने बताया आपको, स्प्रे भी करते हैं तो बहुत अच्छा यूज है इसका। और इसकी जो क्लीनिंग करेंगे इससे तो हम एक महीने में एक ही बार या दो बार करें, बस इससे ज़्यादा ना करें क्योंकि ज़्यादा तो हर चीज़ नुकसान देती है। देखिए जितने भी मैंने आपको इंडोर प्लांट बताए हैं तो इस पर अभी कोई भी फर्टिलाइज़र करने की कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है। जब गर्मी आ जाएगी फरवरी के महीने में ही हम इसको फर्टिलाइज करेंगे। हम सफाई इनकी कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए हम एक कॉटन का कपड़ा या ये कॉटन, और ये तो थोड़ी वैसी है आप मेडिकल वाली होती है वो अच्छी रहती है, या पफ बने हुए आते हैं वो ले लीजिए स्किन साफ़ करने के लिए, हम लोग भी जैसे लाते हैं वो भी अच्छे रहते हैं। और ये मैंने पानी बना लिया है इसका, तो ये देखिए एलोवेरा का, और इसमें 1 लीटर पानी में 2 चम्मच ये मैंने इसको डाल के और ये मिक्सी में पीस के ये पानी बना लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये कॉटन है तो इससे भी इसको डुबकाएंगे इसमें पानी में जो हमने बनाया, और इसको इससे धीरे धीरे एक हाथ नीचे लगाएंगे इसके और एक हाथ ऊपर से, क्योंकि कैमरा है मैं इसलिए आपको एक ही हाथ से बता रही हूँ। तो इससे ये है ऐसे ऐसे इसकी मिट्टी निकालेंगे और बड़े आराम से यहाँ से भी इधर को नीचे को ऐसे निकालेंगे, पहले तो इधर से और फिर ऊपर को इधर को लाएंगे। तो ये पूरे धीरे से हाथ लगा के करना है, हमने नीचे से दूसरा हाथ लगाना है और एक हाथ से करना है। तो ये बड़े आराम से साफ सुथरे और शाइनिंग ये देखिए खूबसूरत सी ऐसी देंगे। अगर आप इससे साफ करोगे बहुत शाइनिंग आती है इससे। तो ये मैंने काम कर रखा है और मैं करती हूँ अपने प्लांट पे, देखिए कितना खूबसूरत इसका शाइनिंग इसमें ऐसी आती है। तो इससे क्या होता है, ये हमारी पत्तियों पे जो फंगस होती है ये बैक्टीरिया पनप जाता है, तो उससे ये एलोवेरा से वो ख़त्म हो जाता है। और हमें पहली बात तो हमें जो लेयर होती है मिट्टी की उसको बैठने ही नहीं देना, अगर बाई चांस बैठ जाती है तो, क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो सफाई नहीं कर सकते ना इन प्लांट की, तो इसलिए मिट्टी इन पे आ ही जाती है डस्ट। तो हम इसी से सभी को ऐसे साफ कर दें। और जो प्लांट हमारे वैसे हैं जैसे हार्ड पत्ती वाले, तो उसको तो हम जैसे धूप होती है धुलाई कर देते हैं, साफ कर देते हैं। बाई चांस अगर उस पर पानी बैठा रह जाता है कभी कभार, तो उसको भी कपड़े से बिल्कुल साफ करें ताकि इनमें शाइनिंग बने रहे। अगर आप साफ नहीं करोगे तो ये देखिए ऐसे पानी के इस तरह से निशान इसमें बन जाएंगे, तो वो निशान बिल्कुल साफ करने, नहीं तो ये पत्तियाँ अगर आप साफ नहीं करोगे तो ये साफ नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये पत्तियाँ तो तभी सुंदर होती लगती है जब इनको हम बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। और ये तो प्लांट होते ही ऐसे क्योंकि इनकी पत्तियाँ खूबसूरत होती हैं, रंग बिरंगी होती है, देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये सब पे मैंने कुछ काफ़ी प्लांट पे कर दिया है और काफ़ी पे मैं और भी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई ना कोई बहुत सारे प्लांट हैं इंडोर, तो मैं ये काम कोई ना कोई ये बढ़ते ही रहते हैं, कभी किसी पे एक पे बैठ गया तो दूसरे पे मैं तो करती रहती हूँ। तो ये देखिए, और हमें इस पर देखिए डस्ट दिखाई भी नहीं गई। और हमें फिर और कपड़े कॉटन से भी कर सकते हैं, इसको पानी में डुबका के और बिल्कुल गीला गली बिल्कुल इतना निचोड़ दीजिए कि इसमें पानी बिल्कुल भी इसमें ना लगे प्लांट में पत्तियों में, तो बिल्कुल ऐसे बस हल्का सा मॉइस्चर रहे और नमी रहे बिल्कुल हल्की सी, तभी इसकी सफाई करें आप। इसी तरह जैसे मैंने बताया इससे भी कॉटन से भी ऐसी करें, और वाइट कलर का ही कॉटन लें, रंगीन लोगे तो ऐसे और रंगीन से कभी कलर उतर जाते हैं, इसलिए वाइट लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने तो वाइट से किया है, इससे भी किया है कॉटन से और इससे भी किया है। और दूसरा एक हमारा जो ये ब्रूस होता है ये ऐसी जैसे ये यहाँ पे ये गहरी जगह होती है यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये मिट्टी नहीं साफ होती तो हम ज़्यादा अगर रगड़ेंगे कपड़े से तो क्या होगा, उससे ख़राब होने का डर रहेगा क्योंकि रगड़ आ जाती है, रगड़ वो बन जाते हैं स्क्रैच। तो हम इससे ये ब्रश लेंगे कोई भी हमारे पास है हल्का मुलायम सा, तो इनके ब्रश भी आते तो इससे ऐसे करके इसको निकाल देंगे नीचे से हाथ लगा के, दोनों हाथ से करना है, नीचे से सपोर्ट लेनी है हाथ की और तभी करना है, ऐसे नीचे से हाथ लगाना है और तब करना है। तो ये बड़े अच्छे से इनकी क्लीनिंग हो जाती है, तो मैं इनकी ऐसे ही करती हूँ सबकी, कुछ ब्रूस से कुछ कपड़े से और कुछ कॉटन से, तो इन्हीं से ऐसे करती हूँ तो ये साफ़ रहते हैं।
और देखिए सारी पत्तियाँ इनकी बहुत ही सुंदर रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये देखिए डस्ट बैठ जाती है तो इनकी इतनी सारी ये डस्ट निकलती है बारीक बारीक। तो ये देखिए, और अगर आप ऐसे ही सफाई करोगे तो ये प्लांट हमारी पत्तियाँ बिल्कुल हरी रहेंगी और बहुत नरम हाथ से पकड़ना है आपको और धीरे से ऊपर से कपड़ा इसके फेरना है, घुमाना है, तब ये साफ़ हो जाएगी, बड़े आराम से साफ होता है। और नहीं तो अगर आप टाइट हाथ से करोगे तो ये हमारी पत्तियों पे स्क्रैच बन जाते हैं, तो इसलिए हमने बहुत सावधानी से करना है इसको। और देखिए अगर हमारे पास इस तरह के हार्ड प्लांट हार्ड पत्ती वाले प्लांट है तो उसको हम ये स्प्रे से धो सकते हैं, और बस सिर्फ और वो भी तब जब धूप निकलती हुई हो तभी धोए, अगर धूप नहीं है तो बिल्कुल भी ना धोए, नहीं तो ये पीली पत्ती पड़ जाएंगी और इन पे निशान भी हो जाएगा और बैक्टीरिया हो जो है बैठ जाएगा, ख़राब कर देगा पत्ती को। तो इसलिए आप अगर धूप हो तभी धोए, अगर धूप नहीं है तो बिल्कुल भी ना धोए। ये देखिए मेरे तो आज यहाँ धूप है और ये हार्ड पत्ती वाले ही धोएंगे, मैं बाकी मैं वैसे ही सफाई करूँगी जैसे आपको बताया है। छोटे छोटे गमले को ऐसे लिटाना है और इस पर पानी से धो देना है और इसको पूरा धूप में रख देना, क्योंकि ये लिटाया मैंने इसलिए गमले में पानी जाएगा, अगर गमले में पानी चला गया ज़्यादा हो गया तो ये हमारे क्या होगा, ये गल जाएंगे यहाँ पे। तो पानी इस समय ठंड में ज़रूरी नहीं है इन पे चार दिन पाँच दिन आठ दिन नहीं भी देंगे तो तब भी नहीं सूखेंगे, बट अगर इसमें ज़्यादा पानी चला जाएगा तो इसके जो ये दिखाई दे रहे हैं ये अंदर इसमें ये सब ये गल जाएंगे यहाँ से और ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए प्लांट को अगर धोना है और थोड़ी देर उल्टा ही रखे रहना है तो ताकि इसका पानी ऐसे करके झाड़ देना है और फिर पानी झड़ जाए तो तभी इसको सीधा करना है, नहीं तो पानी क्या होगा इसके साथ साथ ये अंदर इसमें चला जाएगा, तो इसका ये पानी का अधिक ना जाए तो ये बचाव करना हमें और इसको हमने धूप में रख देना है। तो जितने भी मैंने प्लांट धोए हैं सभी धूप में रखे हैं और अगर इन पे पानी रह जाएगा तो मैं बाद में इस पर क्या काम करूँगी, पानी रह भी जाता है इन पर और जिससे निशान ना पड़े तो इसको मैं सूती सूखे कपड़े से कॉटन से या सूती कपड़े से इसको साफ कर दूंगी पानी को, और इसी हल्की सी धूप में भी रख सकते हैं। अगर आपने पानी से धोए तो जरूर रखें इनको। तो ये देखिए मिट्टी तो मेरी ऐसी रहती है, ज़्यादा पानी ना डाले, इस तरह की मिट्टी रखें तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे ये प्लांट अंदर से ख़राब नहीं होंगे। अगर अंदर से मिट्टी गीली होगी तो ये क्या होता है, इनकी जड़ें अंदर से गल जाती हैं, ख़राब हो जाती है, और अंदर से जब सड़ने लग जाएगी तो प्लांट धीरे धीरे ऊपर को मरना ये शुरू हो जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता। तो ये काम अगर हम पानी कम दे तो चल जाएगा, पानी अगर ज़्यादा लगेगा तो वो प्लांट क्या होता है, ये इंडोर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए मेरे इसमें एक और भी काम करना, ये देखिए ये इसके फूल आ जाते हैं, एग्लोनीमा का कोई सा भी हो तो ये फूल किसी काम के नहीं होते, ना ये खूबसूरत होते, तो हमें यहाँ से इसको कट करना ज़रूरी होता क्योंकि ये फल ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहते हैं, प्लांट इनको एनर्जी देता रहता है, इसलिए इनको ये पत्तियों को जो ये कट जाएंगे तो हट जाएंगे तो ये पत्तियों में ही एनर्जी लगाएगा और नए नए प्लांट भी निकालेगा। तो ये देखिए मैं तो इसको कट कर दूँगी, ये देखिए ये मैंने इसको कट कर दिया, तो ये काम भी ज़रूर करें। और देखिए मैं दिखाना चाहती हूँ आपको मेरे इंडोर प्लांट कैसे चले हैं जो मैं केयर टिप्स इसमें करती हूँ, देखिए ये कितना खूबसूरत, और ये देखिए पोल का डोट भी कितना सुंदर होता है, बहुत ही प्यारा सा होता है, इसमें भी मनी प्लांट है गोल्डन वाला, तो इन पे भी ये काम कर सकते हैं आप जो मैंने किया है। ये फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है, तो ये देखिए ये भी मेरे पास कई सारे अलग अलग हैं, तो एक ये है खूबसूरत सी पत्तियाँ, देखो कितनी खूबसूरत है, और एक ये है और एक ये है लंबी लंबी पत्तियाँ इसकी, तो ये भी पत्ती वाले ये बहुत सुंदर लगते हैं। और ये देखिए एग्लोनीमा में तो खूबसूरत आते ही आते हैं, ये तो बहुत कौशली बैठते हैं, और ये डेफन वेकिया है, और ये भी एग्लोनीमा है पिंक वाला, और ये ग्रीन है ये सिल्वर वाला, और ये दूसरा इसमें कई सारी वैरायटी आती है, ये हमारा ये गोल्डन डस्ट वाला है क्रोटोन, ये देखिए कितनी सुंदर पत्तियाँ लगती हैं, और ये देखिए ये भी ऑर्नामेंटल पत्तियाँ, इसकी बहुत ही खूबसूरत पत्ती है, तो ये एक पत्तियाँ इतनी सुंदर लगती हैं, तो ये देखिए बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये हमारा ये पिंक वाला एग्लोनीमा, और ये देखिए ये तो कितना खूबसूरत है, ये ड्रेस ही ना, ये देखिए ये तो बहुत काफ़ी बड़ा भी हो गया है मेरा, तो इसको तो हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। फिलहाल तो मैंने आपको इतना ही बताया जो जरूरी काम था, और ये हमारा लिली है, तो ये सब मैं इंडोर ही दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये होया प्लांट है, तो इसकी तो एक लीफ इतनी थिक होती है और खूब अच्छी कलर वाली होती है, देखिए तो ये बहुत अच्छा ये डेकोरेशन देता है हमारे गार्डन में, तो ये देखिए कितना खूबसूरत एक पत्तियाँ इसकी लगती हैं। और ये हमारा ये जीजी प्लांट है, इसको तो सुख भी मानते हैं घर में, इसको काफ़ी लोग लगाते हैं, इसे लकी प्लांट माना जाता है, तो इसलिए भी लगाते हैं इसको, तो बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैं इतने ही दिखा रही हूँ आपको।
देखिए जितने भी मैंने आपको इंडोर प्लांट बताए हैं तो इस पर अभी कोई भी फर्टिलाइजर करने की कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है। जब गर्मी आ जाएगी फरवरी के महीने में ही हम इसको फर्टिलाइज करेंगे और इनको पानी तभी देंगे इंडोर प्लांट को जब इसमें ज़रूरत हो, जब सूख जाए इनकी मिट्टी बिल्कुल। तो बस हल्की नमी बना के रखनी है हमने इसमें और हल्की सी इनको धूप भी दिखा सकते हैं, जैसे आजकल तो बहुत ठंडी धूप हो रही है तो बहुत हल्की सी दिखा सकते हैं, बट वैसे तो ये इंडोर ही प्लांट होता है तो इनको इंडोर में बस रोशनी की लाइट की ज़रूरत होती है। तो और इसमें कोई कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगता, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं इनमें से जो भी प्लांट मैंने दिखाए कोई कीड़ा लगता ही नहीं। लगता है तो नीम के ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, बाकी मैंने तो आज तक किया ही नहीं इन पर। तो ये देखिए मैं तो बस ये एलोवेरा का ही यूज करती हूँ, शायद इसलिए भी नहीं लगता होगा। तो एलोवेरा क्या होता है, ये बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है जो भी अगर लगता है, तो इसलिए मैं इसका ही यूज करती हूँ। और ये हमारे गार्डन में ये रहता भी है तो मैं तो फ्री में इसका ही यूज करती हूँ। अगर हम इतने से जो मैंने बताया हो तो आपको इतने से भी अगर आप इन पर केयर टिप्स करते रहोगे तो ये प्लांट आपके बने रहेंगे गार्डन में। और ये खूबसूरत ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं रंगीन पत्तियों के, और बहुत खूबसूरती आपके गार्डन में ये बिखेरते रहेंगे। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।